स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अपनी स्टडीज को आप एंजॉय कर रहे हैं और आपसे जो भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने यूनिट 1 के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स और इसके अलावा फेडरल सिस्टम को पढ़ा था, ठीक है, फेडरल एलिमेंट्स को पढ़ा था। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 2 का पार्ट बी। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि आपका पार्ट बी है, यूनिट 2 पार्ट बी का चैप्टर 1, दैट इज गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में गवर्निंग सिस्टम कैसे चलता है, गवर्नेंस कैसे चलता है, आज हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे इंडिया के अंदर जो इंडिया की गवर्निंग बॉडी है वो पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है। इंडियन गवर्निंग बॉडी बेस्ड ऑन होम पार्लियामेंट, किस पर बेस्ड है, पार्लियामेंट पर। अब पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट होती है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू मेन बॉडीज, दैट इज लोकसभा एंड सेकेंड वन इज राज्यसभा, ठीक है। अब आपको ये तो ये चीज तो आपको भी पता है कि भाई हमारी जो गवर्निंग बॉडी है इंडिया की वो कौन है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को जो है मेजर, अगर मैं बात करूं मेजर डिवीजन की बेसिस पे, तो इंडिया की पार्लियामेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। क्लियर है सारी चीजें, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो चीजें कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। आपको अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात की जाए, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री है अगर जहां डेमोक्रेसी चलती है, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। कौन से पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। कौन से होते हैं 3 पार्ट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं, जहां डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जहां जनता सरकार को चुनती है, मतलब हम लोग, जहां सरकार जनता को नहीं चुनती है या सरकार जनता के हिसाब से जो है चलती, सॉरी नहीं चलती है, वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। लेकिन जहां पर पूरी तरीके से जनता के बेसिस पे सरकार चलती है, सरकार जनता को चुनती है, उस कंडीशन को, सॉरी जनता सरकार को चुनती है, उस कंडीशन को कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। उस कंट्री को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार, ऐसा देश जहां पे जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है वो कहलाती है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू अपने कार्य के आधार पर, अपने सिस्टम के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। मतलब क्या है इन सब चीजों का, मतलब ये है, ये कानून, सबसे पहले तो कानून बनाना, कानून को लागू करना, ठीक है। अब क्या लिखा है मैंने, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये सब क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेजिस्लेचर इज द गवर्निंग बॉडी विच मेड द और प्रिपेयर द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंट्री। हमारे देश में जो बिल पास होते हैं, हमारे देश में जो कानून
जो है चलाए जाते हैं, जो लॉज रूल्स रेगुलेशन चलाए जाते हैं, वो सब कौन लागू करता है, कौन बनाता है, बेसिकली लागू नहीं करता, कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है। और वही इन कानूनों को, जो ये कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों को लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में से एक ऑर्डर आ गया, बिल पास हो गया कि भाई कल अब से जो भी रेप करता है उस पर्सन को रेप केस की सजा के आधार पर 10 साल की जेल होगी। ठीक है, एक जनरल सा जो स्टेटमेंट आ गया, कानून बना गया लेजिस्लेचर ने। अब पुलिस का ये काम है कि रेप करने वाले को पकड़े, है ना। उसके बाद में रेप करने वाले को पकड़ने के लिए जो पुलिस है वो क्या हुई, एग्जीक्यूटिव हो गई। और इन दोनों पुलिस ने उस पर्सन को जो है वहां जेल तक पहुंचाना, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाना, ये काम किसका हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, मतलब पुलिस का हो गया, जुडिशियल सर्विसेज का हो गया। ठीक है, और लेकिन जुडिशियल सर्विसेज बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है रेप केस वाला, तो अदरवाइज कोई भी तरह का कानून जो ये बनाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आज से हर दिन 10 फाइल चेक होगी, ये कानून किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने। अब जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं सारे, वो सब क्या करेंगे, इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो कानून यहाँ बनाया गया है उस कानून को लागू करेंगे ऑफिसर्स के अंदर। तो वो कौन हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए। और इन दोनों के बनाए हुए कानूनों को और लागू किए हुए कानूनों को चेक करता है कौन, जुडिशरी। जुडिशरी ये देखता है कि इसने जो कानून बनाया है वो सही है या नहीं, और अगर वो सही है तो इसने जो काम किया है उसको लागू करने का वो सही से किया है या नहीं। ठीक है, अगर इसने जो कानून बनाया है वो सही नहीं है, पार्लियामेंट में जो कानून बना है वो सही नहीं है, बिल रफ हुआ जो, तो जुडिशियरी उस बिल को जो है कैंसिल कर सकती है। और अगर इन्होंने जो कानून बनाया बिल्कुल सही है तो फिर जुडिशियरी चेक करेगी कि एग्जीक्यूटिव ने उस पर्टिकुलर कानून को ठीक से लागू किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इनके और इनके किए हुए कामों को चेक कौन करता है, जुडिशियरी। यही हमारे देश का सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कंट्री का यही सिस्टम होता है। देश में जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है, सरकार दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पार्लियामेंट लोकसभा, पार्लियामेंट जो है सरकार, पार्लियामेंट के तौर पे हमारी सरकार चलती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसके अंदर एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब एक बड़े बड़े तौर पर अगर बात की जाए तो गवर्निंग बॉडी जो भी होती है, चाहे पार्लियामेंट ले लो चाहे कोई भी तरह की गवर्निंग बॉडी, वो कार्य तीन तरीके से करती है। मतलब उसकी जो गवर्निंग बॉडी है डेमोक्रेटिक कंट्री की, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और फिर तीसरी होती है जुडिशियरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करने का काम कौन करती है, लेजिस्लेचर। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं, लेजिस्लेटिव सिस्टम द्वारा बनाए गए हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने का काम कौन करती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का वर्क चेक कौन करता है, जुडिशियरी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। लेजिस्लेचर के काफी सारे नियम होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रिटेन के अंदर तो इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, अगर मैं बात करूं यूएस के अंदर तो इसे कांग्रेस कहते हैं, अगर मैं बात करूं जर्मनी के अंदर तो इसे ब्यूटस्टेन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जापान में तो इसे कहते हैं डाइट। ठीक है, और अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो इसे कहते हैं सूरा, SURA सूरा। अगर मैं बात करूं इराक की तो इसे कहते हैं मजलिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की तो उसे कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट संसद, हमारी संसद को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होती है, लोअर हाउस, राज्यसभा क्या होती है, अपर हाउस। और हमारी पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनी है, एक तो है प्रेसिडेंट, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ये तीन मिलकर के क्या बनाती है, हमारी पार्लियामेंट। क्या बनाती है, पार्लियामेंट। समझ में आ गया आपको, ये चीजें नोट कर लीजिए एक बार आप। ठीक है,
जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, अभी हमने एक वर्ड देखा है पार्लियामेंट। क्या वर्ड देखा अभी हमने? पार्लियामेंट। और उसके अंदर भी हमने ये देखा कि लोकसभा एंड राज्यसभा। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि लोकसभा राज्यसभा क्या होते हैं? और होते भी हैं, सुना है हमने लोकसभा राज्यसभा, लेकिन इनके मेंबर्स कौन होते हैं, है ना? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके मेंबर्स बन कौन सकते हैं, फिर हम उनके पोस्ट और उसकी बेसिस पे बात करेंगे, उनकी ओथ पे बात करेंगे, सेशन के बात करेंगे, पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, ये सब चीजें बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ही मस्ट बी एन इंडियन। उसका जो पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर सेलेक्ट होने जा रहा है वो क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। दूसरी चीज, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एंड ओथ और अफर्मेशन बिफोर दी पर्संस और आई कैन से या पर्सन ऑथराइजेशन और ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस पर्पस। इलेक्शन कमीशन बनाया गया है किसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, पार्लियामेंट के मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए। पार्लियामेंट के मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन बना है उसके अंदर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है या वो अथॉरिटी है जो ऑथराइज्ड है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कहने वाले या ऐसा सेलेक्ट करने वाले जो पर्सन हैं, जो हाईएस्ट सिग्नेटरी अथॉरिटीज हैं जिनके साइन चलते हैं, जो मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा ये जो है प्रूव हो जाना चाहिए कि ये बंदा इस चीज के लिए एलिजिबल है। वो किस चीज से, किस बेसिस पर एलिजिबल होगा? सबसे पहली चीज तो वो इंडियन हो। दूसरी चीज, एज ए मेंबर सेलेक्ट होने के बाद में उसे ओथ लेनी होगी, उसे शपथ ग्रहण करनी होगी कि मैं इस पार्लियामेंट में बिल्कुल अपने डेडिकेशन से अपनी सीट के जो अपना जो ओहदा मुझे इस पार्लियामेंट ने दिया है मैं उसे बरकरार रखूंगा, उसके अंदर कोई आ जाने नहीं दूंगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। उसके अलावा टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसे ये कहना पड़ेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का, इसके पूरी तरीके से इसके लिए वफादार रहूंगा, इसके लिए अपने सारे कर्तव्यों को निर्वाह करूंगा। ठीक है, तीसरी चीज, इट हैज और इफ ही इज ऑफ, चलो ठीक है ये तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ही मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा और भी कुछ जो है क्वालिफिकेशंस दी होती है, एजुकेशनल वगैरह, हर पोस्ट की अलग अलग है, उसे क्लेरिफाई करना जरूरी है, उसके क्लियर करना जरूरी है कि उस बंदे के पास में ये एंश्योर करना होगा उसे कि मेरे पास में ये डिग्रीज है। ठीक है, इसके अलावा ही मस्ट नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज, 30 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है, ये तो अपन ने बात की है राज्यसभा की, है ना, लेकिन अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसकी कम से कम मिनिमम एज जो है वो 25 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी नॉर्म्स है, और भी चीजें होती है, और भारत का होना चाहिए, भारत की सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास में, भारत की अखंडता में एकता का जो प्रतीक है उससे उसको साबित करना होगा कि मैं भारत के लिए कितना डेडिकेटेड हूँ, इन सारी चीजों को क्लियर करना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें जो है इलेक्शन के जो मेंबर्स हैं वो उस पर्सन को कब डिस्क्वालीफाई, जैसे आप गए, आपने कहा मैं 25 साल से ऊपर हो चुका हूँ, मैं जो है मेरे पास में ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और मैं बिल्कुल वफादार हूँ, बिल्कुल 100% आप मुझे सेलेक्ट कीजिए, तो क्या वो तुम्हें सेलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ आधारों पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। किन आधारों पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? वो आपको कह देंगे हमने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो आप उनसे पूछेंगे किन आधारों पर, तो वो आपके सामने कुछ पॉइंट रखेंगे, जैसे कि सबसे पहली चीज तो कि आप ही इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर मान लो आपके पास में ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप उसके मेंबर नहीं बन सकते लोकसभा के, पार्लियामेंट के मेंबर। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर मतलब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आप
दिमाग अनसाउंड है, मतलब आपको समझ में नहीं आती चीजें, आपको कोर्ट ने कह दिया कि ये इंसान अच्छा, आप बस बहुत बड़े समझदार है, लेकिन आप जैसे ही कोर्ट में गए या कोई भी काम से गए हैं तो आपने लेकर के क्या कर दिया, आपके कुछ गुस्सा शो कर दिया, तो आपको ये कहेंगे अथॉरिटीज के इस इंसान को इतना ज्यादा गुस्सा दे कि पार्लियामेंट में रहेगा, समझ में आ रहा है, भारत के देश की रक्षा कैसे करेगा। तीसरी चीज वो आपसे ये कहेंगे कि आपने ऑफिस होल्ड नहीं करते, आपने कह दिया मैं कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं करता हूँ, सारा काम मेरा खुद का पर्सनल है, छोटा मोटा जॉब प्राइवेट होकर जॉब कर लेता हूँ, अब मैं पार्लियामेंट में सरकार के लिए कार्य करना चाहता हूँ, देश के लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, आप दिमागी तौर पर स्वस्थ हैं, आप सब कुछ है, लेकिन अगर आपको कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप अनसाउंड माइंड है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसका हिस्सा नहीं। ठीक है, थर्ड थिंग, आपके पास में अल्टीमेटली सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की तो आपको भारत से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर भारत से बेदखल नहीं भी किया जाता, आपके पास कोई फॉरेन स्टेट की भी है सिटीजनशिप और इंडिया की भी, तो इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं मानता, इंडिया आपसे कहेगा जाओ उस देश की नागरिकता वापस देख रहा हो और फिर इस देश की नागरिकता के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और अगर आपके पास सिर्फ भारत की है तो आप सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आपके पास भारत के अलावा किसी और कंट्री की है तो आप नहीं सिलेक्ट होंगे, या आपके पास और किसी कंट्री की, आप कह रहे हैं मैं भारत में शिफ्ट हो चुका हूँ कई सालों से लेकिन भारत की नागरिकता नहीं है, तो भी आप वहाँ के मेंबर जो है पार्लियामेंट के नहीं बन सकते। इसके अलावा इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, उन लॉज के आधार पर अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, चाहे एजुकेशन बेसिस पे ले लो या किसी और बेसिस पे। ठीक है, अब बात करेंगे ओथ की। ओथ क्या होता है, आपने सारी जो है क्वालिफिकेशन शो कर दी कि हाँ भाई मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या हूँ, वो हूँ क्वालिफिकेशन है ना, मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ, आपने शो कर दिया, तो अब सेकेंड स्टेप आता है ओथ। यहाँ सेलेक्ट हो गए आप कि आप लोकसभा में जाएंगे या आप राज्यसभा में जाएंगे, है ना, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, यहाँ पे आपने जिसके लिए अप्लाई किया उस बेसिस पे आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अब इनके मेंबर्स बनने के लिए आप तैयार है, आपने क्वालिफाई कर दिया है, अब आपको ओथ लेनी पड़ेगी, ओथ मतलब शपथ लेनी पड़ेगी। कैसी शपथ, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग ए सीट इन द हाउस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और एनी पर्सन और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द पर्पस, मतलब इलेक्शन कमीशन ने कोई पर्सन को अपॉइंट किया कि भाई आप इलेक्शन के जिम्मेवार हो इस बार, ये मेंबर अगर ये क्वालिफाई करता है नहीं करता ये सब आपको देखना है, आपने क्लैरिफाई कर दिया कि ठीक है क्वालिफाई करता है तो उस पर्सन को या तो आपके सामने या फिर उसको प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेनी होगी कि मैं जो भी कार्य इस पद पे रहकर करूंगा, चाहे मैं पार्लियामेंट के लोकसभा का हिस्सा बनता हूँ चाहे राज्यसभा का, जो भी कार्य इस पर रहकर मैं करूंगा मैं 100% प्योरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ करूंगा। ठीक है, ये शपथ ग्रहण करनी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर सेलेक्ट हो गए, अब पार्लियामेंट कहता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हमारे पास में मेंबर्स हैं, अब हमारे पास सब कुछ है तो अब हमें क्या करने हैं, सेशंस अरेंज करने हैं, क्या करने हैं सेशन अरेंज, मतलब ऐसे एक शेड्यूल बना देते हैं कि इस समय हम मिलेंगे, मीटिंग होगी और वार्तालाप होगी, चर्चा होगी, उन्हें सेशन कहा जाता है। क्या सेशन होता है, तीन तरह के सेशन होते हैं, एक तो होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कई लोग इसमें गलती करते हैं, तीनों जो है उनके नाम लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीजन्स के, सॉरी तीनों सीजन के नाम ही लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन होता है फैब से मई के बीच में, फरवरी से मई के बीच में, फैब टू मई। ठीक है, मॉनसून सेशन आपको पता होना चाहिए अभी चल रहा है, वैसे तो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है और अभी चल रहा है, 14 सितंबर से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर तक चलेगा, है ना, तो ये कब होता है, जुलाई टू
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी चल रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। मॉनसून सेशन बजट पार्लियामेंट का भी चल रहा है, जिसके अंदर मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसके अंदर सारे एमपीज एमएलएज वगैरह जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, लोकसभा से ले लो चाहे राज्यसभा से, सभी इकट्ठे होते हैं और वहां पर इकट्ठे होकर के वार्तालाप चलती है उनके बीच में, ठीक है। और कुछ डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह सब डिस्कस किए जाते हैं, गर्मा गर्मी के मुद्दे को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और फिर फाइनली नवंबर से दिसंबर के बीच में जो सेशन होता है वो विंटर सेशन कहलाता है। समझ में आ गई चीजें आपको। हमेशा पार्लियामेंट के तीन सेशन ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब हम साल में तीन बार इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग लेंगे जिसमें सारे एमपी एमएलए चाहे लोकसभा के मेंबर है चाहे राज्यसभा के, कहीं भी स्टेट से हो कुछ भी हो, उन सबको यहाँ एकत्रित होना कंपलसरी है। उस बेसिस पर इनको एकत्रित किया जाता है। तीन तरह के सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन जो फेब से मई के बीच में होता है, ठीक है। जनवरी में इसके बारे में डिसाइड किया जाता है, फरवरी से लेकर मई के बीच में कभी भी सेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सेकंड सेशन की, तो वो है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई से मई के बाद में जून जो है वो प्लानिंग की जाती है, जुलाई से सितंबर के बीच में फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे मॉनसून सेशन कहते हैं। और इसके अलावा जो सेशन होता है वो होता है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। साल में तीन बार मीटिंग होती है, खूब सारी मीटिंग होती है इन दिनों में, इन सेशन के बीच में खूब सारी मीटिंग होती है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कस किया जाता है। देश की सारी सरकारें जितनी भी पार्टीज हैं वो सब चीज लोग क्या सोचते हैं, किस मुद्दे के बारे में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है और इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद, कोरोना के बाद में पहली बार कोई सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेंज किया गया है, और वो है मानसून सेशन, जो रिसेंटली अभी अभी ऑर्गेनाइज किया गया और चल रहा है, 14 सितंबर से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस तरह का जो सेशन है ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में हो गई, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोरम से बारे, कोरम से रिलेटेड क्या है कोरम, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लैंग्वेज कौन सी यूज ले सकते हैं पार्लियामेंट में, तो मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप पार्लियामेंट के अंदर दो लैंग्वेजेस यूज ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों लैंग्वेजेस को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई क्या आप लैंग्वेज यूज में ले सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज में ले सकते हैं। और अगर आपको जरूरत है, आपने कहा भाई मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आता, मुझे तो मारवाड़ी आती है, तो आप प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो उस पार्लियामेंट को लीड कर रहा है, आप उसे जाके कहिए, परमिशन लीजिए कि सर मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, आपको ट्रांसलेटर रख लीजिए, जो मेरी इस ट्रांसलेटर्स ऑलरेडी पार्लियामेंट में होते हैं, तो वो कहता है कि भाई मैं मेरी मदर टंग को यूज लेना चाहता हूँ, तो पार्लियामेंट उसे इस चीज की अनुमति देती है या नहीं देती है वो उनके आउटलुक है, लेकिन जनरली दे दी जाती है और उसके आधार पर वो अपनी मदर टंग को यूज कर सकता है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई, लैंग्वेज हमेशा हिंदी और इंग्लिश को ही परमिट किया गया है, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को आप यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि आपको दोनों लैंग्वेजेस नहीं आती, आपको अपनी मदर टंग ही आती है, तो आपको प्रेसिडिंग ऑफिसर से क्या लेना होता है, परमिशन लेनी होती है, और इस बेसिस पर ही आप अपनी मदर टंग को यूज ले सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज है वो कैसे यूज लेते हैं और क्या चलता है, ठीक है। अब मिनिस्टर्स के अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होता है उसके राइट्स क्या होते हैं, और कोरम क्या होता है, कोरम के बारे में, राज्यसभा कैसे बनती है, लोकसभा कैसे बनती है, राज्यसभा के मेंबर कौन कौन होते हैं, लोकसभा के मेंबर कौन कौन होते हैं, ये हम कल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब डिस्कस करेंगे। इस वीक में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये सब चीजें क्या है, इन सब चीजों को देखिए आप, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में, इन चीजों के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन चीजों के बारे में, इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप जो भी चीजें देख रहे हैं उनको नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स के बेसिस पे आप और भी एडिशनल सोर्सेज से इनके बारे में पढ़िए। और वैसे मैं तो शेयर कर ही रही हूँ, मैं नोट्स भी आपसे शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा सारी चीजें समझ, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं जोधपुर में, आप बिल्कुल सिक्योरली घर पे बैठिए और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, अपनी एजुकेशन को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम कब आ जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में पता ही नहीं चलेगा।
So please keep in your mind that you have to be stay at your home. You have to be there at your home with your mom, dad, because your mom, dad need you. And you need them. अगर आपको इस तरह का वायरस लग भी जाता है तो आप घर जाते हैं तो आप अपने माता पिता के कॉन्टेक्ट में आएंगे और जिस तरह की सिचुएशन और जिस तरह के खान पान के आधार पर कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज से अवेयर होने की जरूरत है. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम.